हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडलस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो JEE एडवांस का एग्जाम हुआ है सितंबर 2020 का, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा और किस करेस्पॉन्डिंग मार्क्स पे क्या रैंक प्रीवियस ईयर्स में मिली थी। तो आज का जो एजेंडा है उसमें देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग पेपर का एनालिसिस करेंगे कि इस साल टोटल फर्स्ट पेपर कितने मार्क्स का था, सेकेंड पेपर कितने मार्क्स का था, किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन क्या था, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में टफ था या इजी था, लास्ट ईयर क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखे गए थे, उससे भी एक आइडिया लगता है कि हमें मिनिमम कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है JEE एडवांस क्वालिफाई करने के लिए। मार्क्स का ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ क्या रिलेशन था प्रीवियस ईयर में, वो डिस्कस करेंगे, और इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है उस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ट्रेंड्स देख के ही सारी चीज़ें होंगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर वन जो था वो टोटल 198 मार्क्स का था, ठीक है, जिसमें तीन सेक्शन थे टोटल। मैं पॉइंटर से आपको समझाऊंगा। फर्स्ट सेक्शन में थे टोटल 6 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कैसे थे, सिंगल करेक्ट ऑप्शन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करने पे हमें +3 मार्क्स मिल रहे थे और रॉन्ग करने पे मिले हैं -1 मार्क्स। उसी तरीके से सेक्शन टू जो था वो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस थे, इसमें एक क्वेश्चन सही करने पे हमें +4 मार्क्स मिले थे और रॉन्ग करने पे -2 मिले थे। तो ये एक सेक्शन ऐसा था जिसमें हमें काफ़ी कुछ ध्यान रख के करना था, क्योंकि सही करने पे तो +4 है लेकिन अगर रॉन्ग हुआ तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके जा रहा था, -2 मार्क्स। तो टोटल 6 क्वेश्चन थे, ये 24 मार्क्स का था। थर्ड देखेंगे तो थर्ड जो था वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग था, क्योंकि ये जो था वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, इसमें न्यूमेरिक लिखने होते थे, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, मतलब अगर आपने सही किया तो +4 मार्क्स होंगे, अगर इनकेस आपने रॉन्ग किया तो 0 मार्क्स। मतलब ये ऐसा सेक्शन था जो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स में, सभी स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करके ही आना था। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हो रहे हैं वो एक पेपर में 66 हो रहे हैं, यही फिजिक्स में 66, केमिस्ट्री में 66, मैथ्स में 66, तो टोटल पेपर हुआ 198 मार्क्स का। चलते हैं पेपर टू के पास। पेपर टू में भी तीन पार्ट थे, तीन सेक्शन थे, सेक्शन वन, सेक्शन टू और सेक्शन थ्री। यहाँ पे सिंगल ऑप्शन करेक्ट की जगह इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चन थे जो इंटीजर बेस्ड थे, और उनमें जो मार्किंग थी वो थी +3 और -1 की। उसके बाद जो सेकेंड सेक्शन था वहाँ पे था +4 और -2 की निगेटिव मार्किंग, मल्टीपल करेक्ट। तो यहाँ पे भी ये भी एक खतरनाक स्टेप था कि मल्टीपल करेक्ट है तो उसमें थोड़ा सा हमें सावधानी के साथ चलना था, जिस क्वेश्चन में हम 100% श्योर हैं वही हमें करके आना था। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सही किया होगा, और आप लोग मार्क्स भी बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। थर्ड सेक्शन था न्यूमेरिकल टाइप, उसके भी 6 क्वेश्चन थे, 24 मार्क्स, यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, +4.0। तो ये सेक्शन भी टोटल 66 मार्क्स का था और टोटल पेपर जो था 198, तो दोनों पेपर मिला के 396 मार्क्स का पेपर था, मतलब एक तरीके से मोटा मोटी 400 से 4 मार्क्स कम था। तो कंपेरिजन अगर करें तो इस बार जो है मैथ्स को रिलेटिवली टफ है, उसके बाद फिजिक्स को जो है मॉडरेट लेवल में रखा गया या मॉडरेट टू टफ लेवल में है, और केमिस्ट्री जो है मॉडरेट लेवल में रखी गई है। तो तीनों सेक्शन में मैथ्स जो था लिटिल बिट टफ था, कुछ बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मैथ्स टफ है तो उन्होंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इसी हिसाब से किया ताकि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। अब प्रीवियस ईयर का मैं ट्रेंड दिखाता हूँ कि 2019 में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे। तो 2019 में जो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स थे दैट वाज 10%, और EWS के लिए ये था 9%, OBS नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए भी था 9%, और SC ST के लिए था 5%, कि मिनिमम 5% सब्जेक्ट वाइज हमें चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 5%। तो मतलब जो कॉमन रैंक लिस्ट होती है जो जनरल कैटेगरी की होती है उसमें 10% चाहिए टोटल मिला के, मतलब पेपर वन और पेपर टू मिला के अगर अपन देखें तो 132 मार्क्स अगर है तो हमें कम से कम जो है उसमें 10% तो स्कोर करना ही पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पे मार्क्स वाइज भी लिखेगी 35, 31.5, 31.5 और SC ST के लिए
17.5 सब्जेक्ट वाइज मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। ये 2019 का क्वालिफाइंग मार्क्स था। 2019 के जो कट ऑफ थे वो क्या था कि कॉमन रैंक लिस्ट जो थी, इसका ये मतलब नहीं कि जिनके 89.75% आ गए उनका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि इतने परसेंटेज तक के बच्चों को रैंक निकाल के दी गई थी, ठीक है। तो जिनकी परसेंटाइल 89.75 थी परसेंटाइल, उनको यहाँ पे दिया गया। और जिन बच्चों की जनरल ईडब्ल्यूएस को 78.21 परसेंटाइल तक दिया गया हुआ है, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर को 74.31 तक दिया गया है, और एससी एसटी का कट ऑफ जो था वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पर ही रखा गया था, उससे ज़्यादा उनका नहीं था। अब हम देखते हैं कि रैंक का मार्क्स के साथ क्या कोलोबरेशन था। तो 2019 में जिसकी रैंक 1 आई थी वो था 346 मार्क्स होल्डर, और हम देख सकते हैं कि 201 पे कितने मार्क्स थे, 253। मतलब 253 मार्क्स आएगा तो हमारी रैंक 200 के आसपास थी। 206 पर हमारी रैंक 1000 पहुंची थी, और 156 पर, मैं करके बताता हूँ पॉइंटर से, 156 पे जो अपनी थी वो 5000 पे पहुंचा, और 131 मार्क्स पे 10000 तक। मतलब लास्ट ईयर में अगर देखें तो 131 तक अपनी जो रैंक थी वो 10000 क्रॉस कर गई थी। तो इसके हिसाब से आप भी अपनी आंसर की चेक करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से इस ईयर आपकी क्या रैंक एक्सपेक्टेड हो सकती है वो भी मैं आपको कमेंट के थ्रू बता सकता हूँ। अब बात आती है कि 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो देखिए 2017 का जो कट ऑफ था दैट वाज 35%, ठीक है, कट ऑफ जो रखा गया। 2018 का जो कट ऑफ था वो 25% ऑफ द टोटल मार्क्स। 2019 का जो कट ऑफ था दैट इज 25%, और 2020 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 25% के आसपास ही रहना है। तो उसको नियर बाय 24-28% यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। तो टोटल जो पेपर था वो 396 मार्क्स का था, तो उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो परसेंटेज को अगर मार्क्स में कैलकुलेट करें तो ये अराउंड आ रहा है 96 से लेके 112 के पास में। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 95 से 110, मतलब 110 जिसके मार्क्स हैं वो मेरे हिसाब से श्योर शॉट सेलेक्टेड रहेगा JEE एडवांस के लिए, और उसका एडमिशन IIT में हो जाएगा। इवन अगर मेरिट थोड़ी डाउन जाती है तो 95 तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा IIT हमें मिल सकता है। तो ये मान के चलिए कि 95 तक हमें कोई ना कोई कॉलेज मिल सकता है। तो 95 से 110 जो है ये हमारी तरफ से प्रेडिक्टेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और परसेंटेज वाइज 24 से 28 तक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है और आप लोग जल्दी ही किसी अच्छे IIT में सेलेक्ट होंगे। किसी के अगर कम मार्क्स आए तो वो भी पूछ सकता है कि सर अब मेरे लिए क्या क्या ऑप्शन है, तो उसे भी मैं ट्राई करूंगा कमेंट बॉक्स के थ्रू सारे रिस्पॉन्स करने का, कि अगर IIT में नहीं हुआ तो देर आर सेवरल मेनी अदर्स ऑप्शन ऑल्सो, तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस पर इस तरीके की अदर इन्फॉर्मेशन आती रहती है। ओके, बाय बाय।